पर रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। घायल ऋषभ पंत की मदद करने वाले दोनों युवकों को डीजीपी करेंगे सम्मानित। दरअसल बीते 30 दिसंबर को मंगलौर के नारसन में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के सामने फरिश्ता बनकर आए दोनों युवाओं को उत्तराखंड डीजीपी 26 जनवरी को सम्मानित करेंगे। सही समय पर घायल ऋषभ पंत को गाड़ी से बाहर निकालने में मदद की और गाड़ी से दूर खींचकर डिवाइडर पर ले गए थे। दोनों हीरो ने कड़कड़ाती ठंड में अपना कंबल और जैकेट निकालकर घायल ऋषभ पंत को दिया था। गंभीर अवस्था में घायल को बिना देरी किए हुए सबसे पहले मदद करने वाले दोनों फरिश्तों ने इंसानियत का फर्ज अदा किया था। दोनों युवक रजत और निशु उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर जिले के बुच्चा बस्ती पुरकाजी के रहने वाले हैं और मंगलौर क्षेत्र में स्थित सुगर मिल पर काम करते हैं। रोजाना की तरह सुबह तड़के बाइक पर सवार होकर मंगलौर आ रहे थे, तभी उनके सामने ही कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों ने हिम्मत दिखाकर घायल की मदद की। सबसे पहले घायल ऋषभ पंत ने ही दोनों को अपना मददगार बताया था और उन्हें देहरादून अस्पताल बुलाकर उनका शुक्रिया अदा किया। और मंगलौर पुलिस ने भी सबसे पहले दोनों युवक को ही मदद में पहल करने की पुष्टि की। मंगलौर कोतवाल मनोज मेनवाल ने सर्दी से ठिठुर रहे दोनों युवकों को अपनी जैकेट पहनाई थी। दोनों युवकों के साहसी कार्य को देखते हुए उत्तराखंड डीजीपी गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करेंगे। यह 30 दिसंबर की बात है, हम 4:30 बजे घर से निकले और यहाँ 5:30 बजे पहुँचे गुरुकुल नारसन। तो यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में ऋषभ पंत जी थे, उस टाइम हम जानते नहीं थे। तो जैसे हमने देखा तो गाड़ी पलटी और गाड़ी में आग लगी, तो उसी गाड़ी के पास से हमने ऋषभ पंत जी को उठा के डिवाइडर पे ले गए और उन्हें अपने जो भी फर्स्ट रेट में जो भी कम्बल वम्बल जो भी हमसे हो पाया हमने उन्हें सहायता की। बाद में पुलिस प्रशासन आया, जिसमें मनोज मेनवाल जी जो मंगलौर थाने कोतवाली है, उन्होंने आके हमें वहाँ से हॉस्पिटल में मिले। मिलने के बाद उन्होंने हमें देखा और कि हमने जैकेट वैकेट तो जो सर को दे दी थी कम्बल वम्बल, तो उन्होंने इस दौरान हमें अपनी जैकेट दी मनोज मेनवाल जी ने, और इसके बाद जैकेट के बाद चाय पिलाई और हमें सुरक्षित काम पर पहुंचाने का कार्य किया। सर आज हम मंगलौर पुलिस में कोतवाली में आए थे, तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को आने वाले 26 जनवरी को हमें देहरादून में जो मुख्यमंत्री जी उनके द्वारा और पुलिस प्रशासन डीजीपी सर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सर यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा सम्मान हो रहा है। 30 दिसंबर 2022 की सुबह एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक मर्सिडीज़ कार के पलट जाने से आग लग जाने की एक सूचना प्राप्त हुई थी। तो इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा दो टीमें बनाई गई। एक टीम के रूप में मैं अस्पताल में पहुँचा, तो वहाँ जो चोटिल को ला के दाखिल किया तो पता लगा कि ऋषभ पंत है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं। इनको जो अस्पताल में लाने वाले दो लड़के थे, निशु और रजत, दोनों बुच्चा बस्ती थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। ये उनको वहाँ ले कर आए और इन्होंने जो इनकी हेल्प की, उसका ये परिणाम हुआ कि आज उनको काफ़ी रिलीफ है। और ये सभी नागरिकों के लिए है कि भाई सड़क दुर्घटनाओं में हम सबको सहायता दें। अगर हम एक सहायता अगर तत्काल पहुंचाई जाए तो बहुत लोगों के जीवन का रक्षक हम बन सकते हैं। तो गुड समेट्रियन स्कीम है राज्य सरकार की, उसी के तहत इन दोनों लड़कों को चुना गया है, रजत और निशु को। इसके तहत जो है राज्य सरकार की तरफ से इनको सम्मानित आगामी 26 जनवरी के अवसर पर किया जाएगा। और ये हम सब के लिए एक मिसाल है कि अगर हम सब अपने जो ड्यूटी को पालन करें, पुलिस हो, पब्लिक हो, आम आदमी हो, कोई भी अगर सड़क दुर्घटना कहीं दिखाई दे तो तत्काल जो घायल व्यक्ति है उसको फर्स्ट एड दें, सूचना दें और उनको अस्पताल पहुंचाएं, तो पता नहीं कितने लोगों का जीवन हम बचा सकते हैं। तो इस अवसर पर मैं सभी जनमानस से अपील करता हूँ कि अगर सड़क दुर्घटना आपके समक्ष होती दिखाई दे तो उसको इग्नोर ना करें, उसको आप संजीदगी से लें और निकटतम जो भी अस्पताल है, नहीं तो आप 108 112 को कॉल करें, तो उसको एक जीवन प्रदान करने का आप महत्वपूर्ण कार्य कर देश की सेवा कर सकते हैं।